अदालत ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में भारत राष्ट्र समिति के कविता द्वारा उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अंतरिम जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। राव जेवनिय कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कविता और प्रवर्तन निदेशालय को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के तहत जमानत का लाभ मिलना चाहिए। प्रावधानों का कठोर शर्तों के बावजूद महिला अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए अदालत को विवेकाधिकार प्रदान करता है, जिन्हें अन्यथा PMLA के तहत जमानत के लिए पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विधायिका का विचार यहां एक अलग शासन व्यवस्था बनाने का है और इसे अक्षरत उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि के कविता के बेटे को उसकी उपस्थिति की आवश्यकता होगी क्योंकि वो इस समय अपनी परीक्षा दे रहा है। ईडी ने दोनों मामलों में जमानत का विरोध किया। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के तहत महिलाओं को छूट उन महिलाओं के लिए है जिनके पास एजेंसी की कमी है। उन्होंने कहा कि यह उस महिला के लिए नहीं है जो सार्वजनिक जीवन में है और राज्य की बड़ी राजनेता है। कविता के बेटे की परीक्षा के बारे में कहा गया कि 12 में से 7 परीक्षाएं पहले ही खत्म हो चुकी हैं और उनका समर्थन करने के लिए उनके पिता और भाई भी हैं। कोर्ट ने कहा कि वो 8 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया जाएगा। ईडी की एक टीम द्वारा उनके परिसर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद कविता को 15 मार्च की शाम को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। वहीं दूसरी तरफ आप से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई थी, जिसके बाद बीते बुधवार की रात को उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। के कविता 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी।